मीरा संस्थान द्वारा आयोजित मध्य वर्ग की कहानी में भूमिका विषय पर संगोष्ठी संपन्न। कहानी में मध्य वर्ग की क्या भूमिका है उस पर विचार गोष्ठी चल रही है और तमाम विद्वत लोग जो मंच पर इस समय मौजूद हैं वो लोग हिंदी कहानियों में मध्य वर्ग को ही अपने अपने ढंग से रेखांकित कर रहे हैं। अभी विषय परिवर्तन में BHU के प्रोफेसर ने बताया कि प्रेमचंद की परंपरा से लेकर के अब तक की परंपरा में बिल्कुल जो नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अखिलेश ऐसे कहानीकार, उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि मध्य वर्ग की चेतना वो चेतना नहीं रही जो प्रेमचंद के संदर्भों में थी। आज़ादी के बाद लेकर के 1947 से लेकर के आज तक की यात्रा में मध्य वर्ग की बहुत परिकल्पना बदल गई है। पहले की कहानियों में जो किस्से कहानियाँ शुरू होते थे वो एक था राजा एक थी रानी से शुरू होते थे और समाप्त होती थी आकर के कि दोनों राजपाट सुख से करने लगे या जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। मध्य वर्ग की परिकल्पना उस समय वो नहीं थी जो आज के संदर्भ में है। आज का मध्य वर्गीय जो चेतना है मध्य वर्ग का जो आदमी है वो अपने अपने ढंग से जुझारूपन से लड़ रहा है, अपनी स्थितियों से समझौता कर रहा है और बेहतरी की तलाश कर रहा है। फिलहाल यही इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मीरा फाउंडेशन की तरफ से यह है 2 सत्रों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं नंदल हितैषी मेरा नाम है।